Good morning, friends. So I'm ready for the trip. I'm going to Valparai. Valparai, a lot of tea gardens and landscape opportunity to see and to photograph. So this is my bag, which is ready. So I have a Canon 1DX Mark II body, then one lens, which is a smaller lens, 24-105. ये लैंडस्केप के लिए यूज़ करूँगा वहाँ पे मैं. फिर दूसरा एक बॉडी है विच इज़ 70 Mark II, कैनन 70 Mark II विथ 70-200 2.8 लेंस. दिस इज़ अ वेरी गुड लेंस बिकॉज आई एम प्लानिंग टू टेक पिक्चर्स ऑफ लैंटल मकाऊ एंड इफ आई गेट चांस टू गो लिटिल क्लोजर देन आई विल यूज़ दिस लेंस. मेरे पास एक फ्लैश है इफ रिक्वायर्ड. आई हैव सम GoPro clips and you know stands and this is the camera cleaner. This is it. Yahan pe I have a filter lens if I have to slow down the shutter speed for that. I have a flash cover. I have an extra spare of battery bhi hai yahan pe aur kuch maine extra memory cards yahan pe rakha hai. So this is my bag. Then this is my Canon 600 f4 lens. This I will use for bird photography. I am carrying this lens with a tripod because it's a heavy lens and this requires little support. Bina support ke isko aap kuch der tak use kar sakte ho, but if there is a tripod it helps a lot. To start and I'm going to get two of my friends on the way. So I'm touching Electronic City Road and I think my friend is here. Hi. So good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So now where we are going? We have to take which route? Just let us figure out. First we have to pick Sharma ji. Yeah, Sharma ji is on the way. But what was that now? I got it. We are going to Valparai. So, start. 450 किलोमीटर यहाँ से है. अभी हम यहाँ पे आ गए हैं ए टू बी वेज रेस्टोरेंट. सो लगभग बैंगलोर से निकले थे हम लोग 4 बजे, 4:10 4:10 पे, और ऑलमोस्ट नाउ इट इज़ 7:30. वी हैव क्रॉस्ड सेलम. सेलम क्रॉस करके हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं अभी. तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें खाने को. तो वी ऑल आर कन्फ्यूज बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डोसा का ऑप्शन है, तो हम लोग सारे कन्फ्यूज हैं. तो हम लोग तीनों तरह का डोसा ट्राई करेंगे. 3 different डोसा, राइट? हाँ. तो फाइनली कौन कौन सा डोसा है? एक गिरोस. एक गिरोस आपका. कोड़ी डोसा. कोड़ी डोसा. अच्छा, मेरा लेयर्स ऑफ हैप्पीनेस. So this is nice place to stop by in between in the journey. Chhota sa ek children's play area hai. You have a shopping complex here. Aur yahan pe ek restaurant hai. Restroom and everything is there. So if you're traveling from Bangalore to Valparai, this is almost 200 kilometers from Bangalore and 250 kilometers before Valparai. So this is a nice stop. You can stop by, have breakfast.
यहाँ से हम लोग आए हैं दैट साइड, वी केम ऑल द वे टू दिस रोड. यहाँ से फिर हम स्टेयर्स पे ऊपर, और ये एक काफ़ी बड़ा डैम है. तो आप मछली खाते हैं? कौन सा फिश नहीं खाते हैं? आप मछली खाते हैं? बिल्कुल. आप लोग खाते हैं मछली? इफ़ यू ईट फिश, लुक एट दिस. तो यहाँ पे खाने का कुछ मज़ा ही अलग है. अरे अरे बस 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 आसी बस, राइस आ गई है. और क्या है ये? फिश सालना. ओके, ग्रेवी. मस्त मस्त, डाल दो डाल दो आंटी. हाँ हाँ एकदम बिल्कुल, डालो डालो. वाह ये बढ़िया. आप कुछ खा रहे हैं? फिश विश नहीं? वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ बहुत प्रॉब्लम है. एंजॉय. नहीं भैया नहीं. और आप फिश चल रहा है? मस्त. ओके आंटी, आप फिश फिश कैसा है? बढ़िया भैया. हाउ? हाँ मच्छी चल. कैसा है? हाउ इट इज? कैसा है? हाउ टेस्ट सुपर सुपर. बस तो राइस और ग्रेवी और कुछ भाजी भी आ गई है, बट अभी बची है इसमें फिश. फिश अभी फ्राई हो रही है हमारी. और हमारे साथ एक वेजिटेरियन इंसान है साथ में, जो बहुत ही परेशान है हमें देख करके. भले वेज मिल रहा है, खा नहीं पा रहे. वो वेज है यहाँ पे, बट फिर खा नहीं पा रहे बिकॉज हम लोग नॉन वेजिटेरियन फिश खा रहे हैं, तो वो साथ में बैठ के खा नहीं पा रहे. अब क्या कर सकते हैं, हार्ड लक. अब हमारी ये फिश भी आ गई है. ये तो फ्राई फिश लग रही है और मस्त. तो यहाँ पे देसी हिसाब से ही हम खाएंगे, है ना? हाँ लोकल फूड है. तो ये लोकल फूड है. फिश बड़ा. और सीमांता ऑलरेडी बहुत स्पीड में निकल चुके हैं आगे हमसे, ठीक है ना? और हमारा अभी बहुत बचा हुआ है. तो क्या बोलते हैं? चीयर्स. बोन अपेटिट. बोन अपेटिट. पापड़ भी आ गए. बढ़िया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वेरी नाइस फूड. थैंक यू. सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने फूड. वेरी नाइस फूड. थैंक यू. सो अलियार डैम. अलियार नो? अलियार. अलियार डैम. अलियार डैम. सो हम लोग अभी जस्ट अलियार डैम के सामने हैं. आप लोग जब भी इधर से आओ. और साई होटल है. साई होटल में हमने यहाँ पे, आप देख रहे हो सामने फिश लगी हुई है फ्रेश, और यहाँ पे रोटी बन रही है, राइस है, और इन्होंने हमें बहुत प्यार से खिलाया है. थैंक यू. और आंटी ने बड़े प्यार से खिलाया हमें यहाँ पे. तो यहाँ पे आइए और लोकल खाने का मज़ा लीजिए. फिश, राइस, रोटी और रसम, चटनी, पापड़, और डन. ढेर सारा प्यार. तो थोड़ा हम लोग सेल्फिश हो गए हैं, मतलब मैंने और सीमांता ने फिश खा ली है राइस के साथ मस्त 320 रुपए में. मतलब 320 रुपए में दोनों लोगों ने खाई है, राइस और रसम और फिश एंड ऑल. और हमारे शर्मा जी अभी तक भूखे हैं, वो वेजिटेरियन है. तो वेजिटेरियन लोगों के साथ ऐसा होता है अक्सर, इसलिए आप अगर वेजिटेरियन हो तो इस बात का ध्यान रखना
कि अपने खाने के लिए जरा रेडी रहना अगर आपके साथ में नॉन वेजिटेरियन लोग हों, बिकॉज उनको जहाँ भी फिश दिखेगी वो खा लेंगे, ठीक है। सो अभी हो गया हमारा नाउ, यहाँ पे हमने किसी ने रोका है, अच्छा टोल बलपराई जाने के रास्ते में वी हैव एंटर्ड इन अनामलाई टाइगर रिजर्व और ये इसका गेट, यहाँ से हम अभी एंटर किए। यहाँ पे चेक पोस्ट है जहाँ पे 30 रुपीज़ ईच हम लोगों ने एंट्री फी दी है। बहुत ही सुंदर घाट सेक्शन है यहाँ पे। सो आई थिंक एनी वन ऑफ यू जो भी यहाँ आ रहे हैं डू विजिट दिस इंफॉर्मेशन सेंटर। इट हैज़ लवली पेंटिंग्स, इट हैज़ लवली डिटेल्स ऑल्सो अबाउट ट्री फ्लोरा फाउना द मैप्स एंड ऑल। इट्स अ वेरी स्मॉल 3-4 room इंफॉर्मेशन सेंटर बट आई थिंक वर्थ विजिटिंग फॉर 15-20 minutes। सो यहाँ पे आई एम इन मिडिल ऑफ जंगल और अगर आप देखोगे तो ये आज हम यहाँ रहने वाले हैं पुटोतम एनेक्स में। एंड इफ़ यू कैन सी फेंसिंग किया हुआ है विच इज़ इलेक्ट्रिक फेंसिंग सराउंडिंग दिस 2-room प्रॉपर्टी। यहाँ पे इस तरफ भी फेंसिंग है एंड इस तरफ एक नीचे जाने का रास्ता ऑलमोस्ट इन मिडिल ऑफ नोवेयर। और फेंसिंग इसलिए क्योंकि रात में यहाँ पे एलिफेंट्स आ सकते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न। हमें कार भी उस तरफ जाके पार्किंग करनी पड़ी है बिकॉज कार पार्किंग भी यहाँ पे अगर करेंगे तो रात में ये इस तरफ एलिफेंट्स के आने का चांस रहता है। मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे दिस इज़ आवर रूम। यहाँ पे एक प्रिटी नाइस प्लेस टू सिट, चेयर्स है, डाइनिंग सोफा एंड देयर इज अ टेलीविजन। आई एम नॉट श्योर इफ इट वर्क्स और नॉट, आई हैव टू चेक। फिर हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया सा रूम, डबल बेडरूम है विद सम वुडन वर्क, वहाँ पे बेड एंड यहाँ पे सो अभी अटैच्ड है इसके साथ में एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप्स है। यहाँ पे वी हैव वॉशरूम विच इज़ नाइस, आई थिंक इट्स प्रिटी नाइस वॉशरूम, क्लीन एंड देयर इज अ एक्स्ट्रा बेड। सो अटैच्ड टू द हॉल वी हैव अ स्मॉल किचन एल। Overall, very nice place. And this is the outside. So you come out and you are in a beautiful forest. But एक
So the first sunlight falling on the mountains. Look at that. The sun is coming from this side behind the mountains, and slowly it is coming down on the slopes. We just got to know that there are elephants right at the place where we are staying, so we are going back. So अभी देखिए हम लोगों ने जो देखा है यहाँ पे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. दिस इज़ द वीडियो शॉट बाय शर्मा जी. और ये एलिफेंट्स थे अभी यहाँ पे, और कहाँ पे थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. ये जस्ट वहाँ पे थे, लुक एट दिस. तो मोबाइल फ़ोन से शर्मा जी ने एक बढ़िया सा वीडियो निकाला है एलिफेंट्स के छोटे से फाइट का. वीडियो कैप्चर्स एग्जैक्ट मोमेंट मिसाइल वाज फायर्ड एट टू यूक्रेनियन जेट. सो शर्मा जी थैंक यू फॉर द वीडियो. थैंक यू सर. थैंक यू. सो हम लोग रुके हैं बिरार के टी बंगलो में, और यहाँ पे उनका एक नेचर क्लब है. इस प्रॉपर्टी में दिस इज अ लिटिल ओल्ड सेटअप बट वेरी नाइस. अंदर जाएंगे हम. सो दिस इज अ गैलरी. तो यहाँ पे मसाला ऑमलेट भी मिल गया है, और क्या चाहिए. डोवा डोसा है, इडली है, सांभर है, और साथ में मसाला ऑमलेट रेडीमेड. तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए ग्रेट ब्रेकफास्ट. सो जब तक मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, आप लोग वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. सो नाउ वी आर गोइंग टू वालपराई सिटी. वी विल बी इनफैक्ट क्रॉसिंग वालपराई सिटी. हम लोग जहाँ रुके हैं वहाँ से एक आई थिंक एक दो ढाई किलोमीटर पे ही है. तो वी आर ड्राइविंग, वी विल पास वालपराई सिटी, एंड देन एक सनसेट पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं. आफ्टर सम वाइल्ड लाइफ शॉट वी थॉट इट विल बी गुड टू गो एंड सी सनसेट एंड लैंडस्केप. बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट. यहाँ पे आके हम थोड़ी देर वेट करेंगे. आई थिंक अनदर 10 मिनट्स द सन इज़ गोइंग टू कम डाउन. तो कल का दिन काफ़ी अच्छा था. मॉर्निंग में हम लोगों ने बर्डिंग की, काफ़ी बर्ड्स मिले हमें, और फिर हमने लाइन टेल मकाऊ का एक ग्रुप था वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे फोटोग्राफी की. फिर हमें दूसरा भी एक ग्रुप मिला लाइन टेल मकाऊ का, जो कि नीचे ग्राउंड पे बैठे थे, तो कुछ उनके भी पिक्चर्स मिले. फिर वहाँ से हम लोग ने ढूंढा कि नीलगिरी लंगूर्स थे हमारे जो ट्री पे थे, काफ़ी आई थिंक 5-6 नीलगिरी लंगूर्स थे. काफ़ी रेयर है वो और यहीं पर मिलते हैं, तो इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू क्लिक पिक्चर्स, बट कुछ अच्छे पिक्चर्स मिले हमें. उसके बाद एक ब्लैक ईगल मिला, जो कि वो भी काफ़ी रेयर है, तो उसके भी पिक्चर्स बनाए हम लोगों ने. एंड उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग वापस आए, और इवनिंग में फिर हम लोग लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए गए थे.